वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग और सुप्रभात आप सभी को। 5 मिनट का डिले जरूर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बिल्कुल यहां पर क्लास शुरू हो चुकी है और जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से इस क्लास के लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमारे साथ यहां पर जुड़ जाएं। ओके गाइस, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा, मैंने भी इसको यहां पर शेयर कर दिया है। ओके गाइस, जल्दी से चलिए, तो बिना किसी देरी के यहां पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा वीकली रिवीजन भी करेंगे क्योंकि आज संडे है और पूरे हफ्ते के बारे में भी हम लोग यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अगर हाँ तो अगर बहुत सारे विद्यार्थी अभी टेलीग्राम, अगर मैं बात करता हूँ, अनअकैडमी पर मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो उन्हें कैसे जुड़ना है? अनअकैडमी एप्लीकेशन को ओपन करना है और एसएससी एग्जाम्स पर जाकर क्लिक करना है। ओके गाइस, एसएससी एग्जाम्स पर जाकर क्लिक करना है और वहां पर जाकर आपको स्पेशल क्लासेस को फाइंड आउट करना है और आपको वहां पर जाकर मेरा नाम सर्च करना है, अंकित गुप्ता, और आपको जो भी स्पेशल क्लासेज हैं वो आपको मिल जाएंगी। आज भी आपकी एक स्पेशल क्लास लगी हुई है जो कि स्टैटिक जीके पर है। आज हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट 3 वहां पर डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़िएगा और जैसे ही आप मेरे प्रोफाइल पर पहुंचे वहां पर आपको फॉलो जरूर कर लेना है। ओके गाइस, ये पॉइंट यहां पर क्लियर है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत है। एक बार लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा बिना किसी देरी को। एक छोटा सा मैसेज मुझे डालना था, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करते हैं तो आपके लिए जो कोड बनेगा वो बनेगा टारगेट 10। अब टारगेट 10 जो कोड है वो आपके ही टारगेट से लिया गया है, मतलब कि आप सभी ने जो भी अपने सपने सजा रखे हैं 2020 वर्ष में, आधे सपने तो कोरोना वायरस की महामारी में ही कोरोना ग्रस्त हो गए और आधे सपने जो बाकी हैं, क्योंकि अभी आधा साल बाकी है, अगर भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो बचे हुए समय में आप अपने एग्जाम को दे पाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो अगले साल यानी कि 2021 में ही आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो टारगेट 10 ये आपका वो कोड है जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करते हैं तो टारगेट 10 कोड को वहां पर जरूर लगाएं, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है और मेरे कोर्स के साथ आप वहां पर जुड़ जाएंगे, इतनी बात क्लियर है? चलिए, हाँ आज क्लास होगी, मैं यहां पर जुड़ा हुआ हूं भाई। चलिए, सभी लोगों ने अगर डिफेंस एग्जाम चैनल जिस पर ये करंट अफेयर्स की क्लास चलती है अगर उसे ना किया हो या उसे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? चलिए, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपने अभी तक डेली एग्जाम टेस्ट, डेली लाइव टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और इन सभी के जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर भी आज शाम कितने बजे क्लास है भाई? आज शाम 5 बजे आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसे नोट कर लीजिएगा। आज शाम 5 बजे जनरल अवेयरनेस बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर बैंकिंग की क्लास लेकर आइए, तो बैंकिंग की क्लास इसीलिए क्योंकि IBPS और आने वाले समय में RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के बैंक, और अगर मैं बात करता हूँ क्लर्क और PO, इन सब का एग्जामिनेशन आने वाला है, इनका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी होने वाला है। तो बैंकिंग एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए शाम 5 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर आपकी बैंकिंग स्पेशल क्लास आपकी चलेगी, तो टाइम नोट कर लीजिएगा 5 बजे आज शाम को बैंकिंग स्पेशल क्लास कहां पर? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। और अगर इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बिना किसी देरी के करते हैं सबसे पहले रिवीजन। अकेडमी पर सर बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, सर सचिन कुमार जी हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ते हैं, आप सभी भी अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़िए, वहां पर आपको भी काफी पसंद आएगा जो भी क्लासेस मेरे द्वारा वहां पर ली जाती है। सबसे पहले करेंगे रिवीजन क्योंकि एक दिन का यहां पर गैप हो चुका है, ठीक है? नहीं, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर मैं बात कर रहा हूँ, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर जो क्लास है वो मेरी बैंकिंग अवेयरनेस की आपकी लगी हुई है, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है? 5 बजे या 6 बजे आपकी क्लास वहां पर मैंने लगवाई है।
चलिए रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर रिवीजन आप सभी के लिए है और आप सभी को यहाँ पर आंसर करना है बिना ऑप्शन के। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि मॉर्गन स्टैनली की नवीनतम भविष्यवाणी, मतलब कि उन्होंने जो नया प्रेडिक्शन दिया है उसके अनुसार 2020 में भारत के लिए अनुमानित GDP वृद्धि का जो अनुमान है वो क्या है। तो मॉर्गन स्टैनली ने 0% यहाँ पर GDP का प्रोजेक्शन रखा है। ये लेटेस्ट प्रोजेक्शन है GDP के लिए, तो इसको नोट करके रखिएगा। आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए कितने अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष की घोषणा की गई है। हाउ मच एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग फंड हैज बीन अनाउंस फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अंडर द आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है 30,000 करोड़ का यहाँ पर आर्थिक पैकेज बताने की बात हुई है। सर मैंने भी ज्वाइन होती हूँ बट मैसेज नहीं कर पाती, ओनली पोल पर मैसेज कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, पोल पर मैसेज कीजिए, वहीं पर तो मैसेज करना जरूरी है आंसर करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत सड़क विक्रेताओं के लिए सरकार के द्वारा कितनी राशि विशेष क्रेडिट सुविधा की घोषणा की गई है। हम सभी को पता है कि मोदी जी ने जब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी तो उसके बाद अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए भी वहां पर इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की गई है। तो जो सड़क के किनारे लगाने वाले, ठेले लगाने वाले जो सड़क विक्रेता होते हैं, जिन्हें हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं, उनके लिए कितना आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज घोषित किया गया, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि COVID-19 वैक्सीन के विकास के लिए कितना धन या कितनी धनराशि PM केयर्स फंड के तहत आवंटित की गई है। हाउ मच फंड हैज बीन एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द COVID-19 वैक्सीन अंडर द PM केयर्स फंड। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है 100 करोड़ का जो अमाउंट है, जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी में कहें तो 1 अरब रुपए PM केयर्स फंड के तहत आवंटित किए गए हैं वैक्सीन के निर्माण के लिए। किसकी वैक्सीन, कौन सा टीकाकरण, यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनानी है उसके निर्माण के लिए। एक इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडियाज रैंक एट विच पोजीशन ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। इसकी बात अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान पर है, भारत 74वें स्थान पर है। अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर मौजूद है, जल्दी से ये भी मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में यहां पर बता दीजिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है, जिसे हम लोग कहते हैं WEF। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर कौन सा कंट्री है, तो स्वीडन नामक जो देश है वो यहां पर टॉप पोजीशन पर है। आप यहां पर देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज में से सबसे टॉप पोजीशन पर है यहां पर स्वीडन, नंबर सेकंड रैंकिंग पर है आपका स्विट्जरलैंड और नंबर थर्ड रैंकिंग पर है आपका फिनलैंड। याद रखिएगा टॉप 10 कंट्रीज में डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, फ्रांस, नीदरलैंड और आइसलैंड आपके बाकी हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा और प्रश्न ये पूछा गया है कि जो वेब पोर्टल है जिसका नाम है होप, मतलब उम्मीद, लेकिन होप का भी फुल फॉर्म बनता है यहाँ पर, तो वेब पोर्टल होप हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेन यूथ ऑफ द स्टेट। यानी कि राज्य में जो भी युवा हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए उनको ट्रेन करना जरूरी है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना जरूरी है। तो किस राज्य ने हाल ही में कोरोना महामारी के बीच में होप पोर्टल को लॉन्च किया है, तो सही जवाब यहां पर बनता है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन बनते हैं, आज का सेशन पूरा रिवीजन सेशन है एक तरह से समझ लीजिए। तो उत्तराखंड, यहां पर बीच में कुछ फ्रेश एमसीक्यूज भी हैं लेकिन आज का पूरा संडे मतलब रिवीजन डे, बात खत्म। उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर और गवर्नर टाइप करके कमेंट बॉक्स में, हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा अपनी जो नई राजधानी बताई गई है वो बताई गई है गैरसैंण, इसको भी नोट कर लीजिएगा। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, नोट कीजिएगा हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ होप पोर्टल। कल क्लास टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाई थी, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहां पर बेबी रानी मौर्या, ऋषिता जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, किस राज्य ने अपनी प्रसिद्ध सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए GI टैग प्राप्त किया है, तो यहां पर मैं एनिमेशन लगाना भूल गया। करेक्ट आंसर बनता है झारखंड स्टेट। झारखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर और गवर्नर टाइप करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तेलिया रुमाल अगर पूछा जाता है तो तेलिया रुमाल तेलंगाना में से GI टैग मिला है हाल ही में, और झारखंड में सोहराई खोवर पेंटिंग, यहां पर सोहराई खोवर पेंटिंग आपके सामने मौजूद है। और हाल ही में केसर को भी GI टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। इसके अलावा
गोरखपुर टेराकोटा के लिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के शहर को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। इसके अलावा मणिपुर स्टेट में काले चावलों को, जिन्हें चकहाओ कहा जाता है, उन चावलों के लिए भी जीआई टैग मणिपुर स्टेट को आपका दिया गया है। यह भी बिल्कुल लेटेस्ट और हाल ही के जीआई टैग हैं जो प्रोवाइड आपके किए गए हैं। अगला प्रश्न, चावलों के निर्यात के प्रचार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित नए निकाय का नाम बताइए। नेम द न्यू बैडरी सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर दी प्रमोशन ऑफ द राइस एक्सपोर्ट। तो राइस एक्सपोर्ट के लिए जो नया फोरम और निकाय और बॉडी बनाई गई है उसका नाम है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम मथुरा किस नदी किनारे मौजूद है? तो सही जवाब इसका बनता है यमुना। यमुना इसके अलावा भी किन किन शहरों या कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे मौजूद है, तो उनकी लिस्ट भी जल्दी से, जितने आपको याद हों, दो याद हों, तीन याद हों, उनको यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बता दीजिएगा। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? कल ही बताया था, चिदंबरम नाम की जगह तमिलनाडु स्टेट बनेगा जहां पर नटराज मंदिर आपका मौजूद है। तो ये तो रही सारी के सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। आज है 17 मई और यहां पर लिखा है 16 मई, क्योंकि कल की जो करंट अफेयर्स है वो हमारे डिस्कस नहीं हो पाई थी, तो 16 मई की करंट अफेयर्स और 17 मई की करंट अफेयर्स, ठीक है, 17 मई की भी कुछ करंट अफेयर्स शामिल की गई है, कुछ करंट अफेयर्स को कल भी हम लोग शामिल करेंगे अपनी क्लास में। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, The musical composition United We Stand, United We Fight is an initiative of which Indian body dedicated to the world in the collective fight against coronavirus pandemic. संगीत रचना, एक नया संगीत कंपोज किया गया, एक नया म्यूजिक कंपोज किया गया है जिसका नाम है United We Fight। अगर हम सब लोग यूनाइट में रहे, यूनिटी में रहे, तो हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। किस भारतीय निकाय की एक पहल है? अरे मैं भैया बीच में आ रहा हूँ, ओहो मैं अपनी गद्दी यहाँ से उठाकर यहाँ लगा लेता हूँ, अब आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। हाँ, संगीत रचना यूनाइटेड वी फाइट किस भारतीय निकाय, किस भारतीय बॉडी की एक पहल है, इनिशिएटिव है, जो कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में दुनिया को समर्पित है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मुझे लगता है आप लोग भी नाम देख के समझ ही गए होंगे, ICMR का नाम बार बार और लगातार लिया गया है, कोरोना महामारी के बीच में ICMR का नाम लगातार लिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ICMR यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा। थोड़ी सी डिटेलिंग भी यहाँ पर देख लेते हैं, म्यूजिकल क्रिएशन हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड, ये जो म्यूजिक क्रिएट किया गया है ये पूरी दुनिया को डेडिकेट है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ये म्यूजिक क्रिएट किया गया है। विदेश मंत्रालय के वर्तमान विदेश मंत्री कौन बनते हैं, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडिया स्प्रेड इंडियाज मैसेज ऑफ होप, भारत पूरी दुनिया में अपना जो मैसेज है, अपना जो संदेश है, किस बात का संदेश, होप यानी कि उम्मीद, रिसलाइंस आत्मनिर्भरता, इन सारी चीज़ों को भारत दुनिया भर में दिखाना चाहता है। भारत का एक हमेशा नारा रहता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है, वसुधैव मतलब कि पूरी वसुधा, मतलब कि पूरी दुनिया हमारी परिवार है, हमारी फैमिली है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे कल्चर में मौजूद है, हमारी संस्कृति में मौजूद है कि हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मान के चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ यूनाइटेड वी फाइट नाम का म्यूजिक, जो कि करीब करीब 3 मिनट और 33 सेकंड लंबा है आपका ये गीत, ये अलवारस के द्वारा लिखा गया है और इसी के द्वारा ये गीत इन्हीं के द्वारा कंपोज भी यहाँ पर किया गया है। ओके, वर्तमान हमारे विदेश मंत्री बनते हैं एस जयशंकर साहब, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, किस राज्य ने बागवानी और मछली पालन के माध्यम से आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए राज्य में बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मतिर स्मृति योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज लॉन्च दी मतिर स्मृति स्कीम टू यूटिलाइज बैरन लैंड, बैरन लैंड मतलब कि जो भूमि आपकी बिल्कुल सूखी पड़ी है, बंजर पड़ी है, इन द स्टेट फॉर द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज थ्रू दी हॉर्टिकल्चर एंड पीसी कल्चर। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 1 वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के वर्तमान चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर आपके बनते हैं जगदीप धनखड़। आंध्र प्रदेश के बनते हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम आप लोग टाइप करेंगे। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं अशोक गहलोत और गवर्नर आप लोग टाइप करेंगे। त्रिपुरा की अगर मैं बात करता हूं तो त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये भी आप ही लोग जरा बता दो क्योंकि मेरे दिमाग से अभी स्किप हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट कल्चर डिस्कस हुए हैं, एक तो है आपका हॉर्टिकल्चर और दूसरा है आपका पीसी कल्चर।
मछली उत्पादन को पिसीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। मछली पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, इसको जरूर याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करते हैं मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति, मछलियों के उत्पादन के लिए हमारे देश में क्रांति चलाई गई थी। जबकि मछली पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। आगे अगला प्रश्न आप सभी के सामने एक रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें जंगलों के बारे में बताया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं FRA की, FRA यानी कि यहां पर फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हाल ही में जारी हुई है उसकी बात की गई है 2020 की। द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो जंगलों का हिस्सा है, स्टैंड्स एट विच पोजीशन, विच इज 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ग्लोबली। पूरी दुनिया में जितना भी लैंड एरिया है, जितना भी आपका भूमि का क्षेत्र बनता है, उसमें से कितने क्षेत्र में यहाँ पर आपका जंगल आपके हैं, कितने बिलियन हेक्टेयर्स के क्षेत्र में आपके जंगलों का अस्तित्व तो अभी भी बना हुआ है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। हाँ बिप्लब देव, हाँ हाँ भैया बिप्लब देव, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ कलराज मिश्र बनते हैं आपके राजस्थान के, सही है, त्रिपुरा के बिप्लब देव, वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है, इसको मोटा मोटा याद कीजिएगा 4 बिलियन हेक्टेयर्स, इसको मोटा मोटा याद करना है 4 बिलियन हेक्टेयर्स जंगल हमारे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में आपके बचे हुए हैं। अगला प्रश्न, अपने आर्थिक पैकेज के तहत सरकार ने कम से कम 12 महीने की अवधि के लिए जो मुद्रा लोन मिलते हैं ना, उसमें एक शिशु ऋण योजना होती है, तो शिशु ऋण योजना के तहत ऋणों पर कितने प्रतिशत के ब्याज का उपशमन करने की घोषणा की है। उपशमन का मतलब यहाँ पर सबवेंशन है, यानी कि वो अब ब्याज उनको वहाँ पर 12 महीने के लिए प्रोवाइड नहीं करना होगा या 12 महीने तक उन्हें ब्याज नहीं देना होगा। अब मात्र उन्हें उतने परसेंट का जो लोन था या जो भी लोन उन्होंने लिया था उसमें 2% की उन्हें क्या हो जाएगी, कमी मिल जाएगी। सही जवाब यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2%, यानी कि 2% का यहां पर ब्याज का सबवेंशन मिलेगा मुद्रा योजना के तहत। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। शिशु लोन योजना होती है, इसके अलावा तरुण योजना होती है और आपका किशोर योजना होती है, ये 3 योजना होती है मुद्रा योजना के तहत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नेम द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करते हैं, इसके नवनियुक्त महानिदेशक कौन है। ऑप्शन आप सभी के सामने, शिवदास मीणा, वी विद्यावती, रमेश बाबू वी, या आनंदिया सिन्हा। ऑप्शन नंबर 4 है आनंदिया सिन्हा। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनता है वो बनता है शिवदास मीणा। सीधा याद रखना है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट की बात करते हैं, इसे किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज लॉन्च बाय विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आप सभी के सामने है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है, तो ये रिपोर्ट UN के द्वारा जारी की जाती है, ये पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर बनता है Washington DC, ठीक है, अमेरिका की राजधानी में। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, डेविड मालपास बनते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी Washington DC में मौजूद है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर मौजूद है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेड कौन है, मैंने कई बार आपको बताया है अपने क्लासेस के दौरान, तो ये भी बताइएगा क्योंकि रिसेंट एग्जाम जो आपका SSC का हुआ था उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। किन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक चुना गया है हाल ही में, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं ASI, तो याद रखिएगा हाल ही में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, वी विद्यावती जी को यहाँ पर हाल ही में चुना गया है। वी विद्यावती हाल ही में चुने गए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ पर क्या डायरेक्टर जनरल। यहाँ तक तो रहा हमारा कंप्लीट। हाँ डेविड मालपास तो हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के, IMF की हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। एक यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न है, अच्छा तो मैं कहीं से नहीं कहूँगा, ये एक ऑबिचुरी पर आधारित प्रश्न है। वॉट इज द प्रोफेशन ऑफ द साई गुंडेवार हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ द 42। साई गुंडेवार का क्या पेशा था, मतलब कि ये किस प्रोफेशन में थे, किस फील्ड से बिलोंग करते थे। इनका हाल ही में 42 वर्ष की आयु में इनकी मौत हो गई है। ये एक जाने माने जर्नलिस्ट थे, एक्टर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे या पॉलिटिशियन थे, शायद किसी ने इनको देखा हो। अपने स्पोर्ट विला नाम का एक आपकी वेब सीरीज है उसमें भी ये नजर आए थे, स्पोर्ट विला, है ना। ये एक जाने माने एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के द्वारा नाबार्ड के माध्यम से अपने लघु और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशाली पूंजी निधि की कितनी राशि की घोषणा की गई है? परसों मैंने जब डिटेल में डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था कि सरकार ने नाबार्ड के तहत किसानों के लिए कितने लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पर रखने की बात की गई है। टोटल जो पैकेज आपका यहाँ पर बनता है वो है आपका 20 लाख करोड़ का, और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में नाबार्ड के द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पर बात की गई है? तो 30,000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की यहाँ पर बात की गई है। पीके में भी काम कर चुके हैं, पूजा गुप्ता जी कह रहे हैं, हो सकता है, मैंने नहीं देखा। चलिए, हाँ विदिशा जी, अगली बार से स्टेट ऑफ द डे को भी हम लोग शामिल कर लेंगे, ठीक है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट तो नहीं लेकर आए हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बना पाए हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने चाहिए उन प्रश्नों को मैं लेकर आ चुका हूँ। इसके अलावा भी हम लोग वीकली रिविजन के तौर पर भी कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आज ये सेशन हम लोग थोड़ा लंबा खिंच जाएगा ये सेशन, क्योंकि रिविजन वाला सेशन का भी काफ़ी लेंदी है आपका, लेकिन डिटेल एक्स्ट्रा डिटेलिंग या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं डाल के ला पाया हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, अगली बार से आपको मिल जाएगा। द फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 हैज बीन पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन के द्वारा वन संसाधन मूल्यांकन 2020 को प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी थी ना, FRA रिपोर्ट, जिसके तहत 4 बिलियन जो हेक्टेयर भूमि है पूरी दुनिया में आपकी मौजूद है। तो FRA रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ग्रीन पीस ट्रस्ट के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, ये महत्वपूर्ण बनता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 की जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है जो कि FAO के द्वारा जारी की गई है, स्टेट्स दैट द रेट ऑफ द फॉरेस्ट लॉस्ट डिक्लाइन इन 2015-20 हाउ मच एरिया कंपेयर टू द 2010-15। पहली जो रिपोर्ट आपकी जारी हुई थी 2010 से लेकर 2015 के लिए जारी हुई थी, और अब जो ये नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी जारी हुई है वो 2015 से 20 के लिए जारी हुई है। इसमें पूरी दुनिया में कितने हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसको हमें नुकसान उठाना पड़ा है, या जो वो ज़मीन गायब हो गई है, या वो ज़मीन अब जंगलों के रूप में नहीं रही। तो 10 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए बन जाएगा। कैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, राजेंद्र कुमार जी यहाँ पर सही जवाब बनेंगे। जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो उनकी एक अलग लिस्ट क्रिएट करके रखिएगा कि राजेंद्र कुमार नए डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, यानी कि मंडे से लेकर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उसमें से पिक किए हैं जिनके बारे में मेरा अनुमान है कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों का भी आपको आंसर करना है। ये सारे प्रश्न इसी हफ्ते में डिस्कस हुए थे और इसी हफ्ते से मैंने इनको पिक किया है इंपॉर्टेंट के कि हाँ यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, हाँ ये पूछा जा सकता है, चलो इस प्रश्न का रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको फटाफट आंसर देना है, कोई इसमें डिले नहीं करना है, ठीक है ना? ओके, यस लिखकर बताइए सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में। एक बार वीकली रिविजन के तौर पर यहाँ पर इसको देख लेते हैं। नेम द प्रेसिडेंट चीफ ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान प्रमुख का नाम बताइए। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, इसी हफ्ते आपसे डिस्कशन हुआ था। सही जवाब यहां पर बनता है नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 पर जो यहां पर नाम है वो है जय शाह। जय शाह की बात करते हैं तो ये BCCI के वर्तमान सेक्रेटरी बनते हैं, ये याद रखिएगा। जय शाह कहाँ के सेक्रेटरी बनते हैं? BCCI के वर्तमान सेक्रेटरी बनते हैं, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर मौजूद है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपका मौजूद है। और फील्ड हॉकी, इंडोर फील्ड हॉकी, इन सभी गेमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, कंट्रोल करता है या उनको रेगुलेट करता है। भारत का नेशनल गेम माना जाता है कि हॉकी है और पाकिस्तान का नेशनल गेम फील्ड हॉकी ही है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चाइना का नेशनल गेम बनता है टेबल टेनिस, भूटान का नेशनल गेम बनता है आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, जापान का नेशनल गेम बनता है सुमो रेसलिंग, अमेरिका का नेशनल गेम बनता है बेसबॉल। इन सारी चीजों को रिवाइज कर लिया। अगला एक किताब आपसे मैंने पूछी थी इसी हफ्ते कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियर
फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, जिसमें से सही जवाब यहाँ पर बनता है वधन। वधन एक राइटर है जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, शशि थरूर साहब के द्वारा। बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये तो आपको पता होगा। शशि, अगर मैं बात करता हूँ सलमान रुश्दी साहब की, तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं, सस्टेनिक वर्सेज और मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, ये याद रखिएगा। हम फियर ऑफ गॉड की बात करते हैं। फियर ऑफ गॉड नामक जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? वोम देववर साई चंद्र वधन, ये उन राइटर का नाम है। वोम देववर साई चंद्र वधन, और शॉर्ट में इनको वधन के नाम से जाना जाता है। ये वधन के नाम से काफी लोकप्रिय हैं। इस किताब का जो मुद्दा है, इस किताब का जो मैटर है, वो है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान की कमी, और फियर ऑफ लॉ इन इंडिया, भारत में कानून का डर, इस पर आधारित है आपकी ये किताब। प्रवासी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ दीज डेज? ऑप्शन आप सभी के सामने है। सेकेंड फ्राइडे ऑफ मे, मे 9, सेकेंड सैटरडे ऑफ मे, या फिर मधु है, मधुसूदन कहाँ से आ गए, 8 मई है यहाँ पर, इसको यहाँ पर कंसीडर कीजिएगा। बताइएगा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मई का दूसरा शनिवार जो बनेगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अब मई का दूसरा शनिवार किस तारीख को पड़ा और उस दिन कौन सा डे बनेगा, यानी कि 2020 में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे किस तारीख को मनाया गया, वो तारीख बता दीजिएगा। सेकेंड सैटरडे ऑफ मे यहाँ पर बनता है। 1 मई को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस, तो इंटरनेशनल लेबर्स डे, उसी दिन महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे, ये एक ट्यूना नाम की मछली होती है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे की बात करते हैं तो ये साल में दो बार मनाया जाता है, 2 मई को इस साल मनाया गया और 26 सितंबर को भी मनाया जाता है। 3 तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका मनाया जाता है। 4 तारीख को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 तारीख को हैंड सैनिटाइजेशन डे होता है। 7 तारीख को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है। 8 तारीख को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि इसी दिन हमने 1998 में पोखरण राजस्थान में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका कोड नेम आपका बनता था मिशन शक्ति। अगला प्रश्न है, नहीं अगला यहाँ पर आंसर है जो मैंने आपसे पूछा है, तो दूसरा शनिवार 9 मई को बना, याद रख लीजिएगा। और इस साल के लिए जो थीम बनती है वो बनती है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, ये थीम बनेगी इस साल के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से किसे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हु अमंग दीज इज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ द मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC? करेक्ट आंसर बनता है कुमार संगकारा। सौरव गांगुली ऑप्शन नंबर 1 में आपको नजर आ रहे हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट बनते हैं। कुमार संगकारा श्रीलंकन विकेट कीपर और पूर्व कैप्टन वहां पर रह चुके हैं। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की बात करते हैं तो इस क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई थी और 1814 से इसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के कंट्रोल में है ये, और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के तहत ये आता है, जिसको सेंट जॉर्ज वुड साहब इसके ऑनर हैं, ये मालिक हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बारे में याद ये भी रखना है कि इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है। किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन नाम से ऑनलाइन वाहन स्वामित्व मंच लॉन्च किया गया है? द ऑनलाइन व्हीकल ऑनरशिप प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन व्हीकल ऑनरशिप प्लेटफॉर्म ऑन ऑनलाइन हैज बीन लॉन्च बाय विच कंपनी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट आंसर बनता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। देखो रिवीजन सेशन चल रहा है इसलिए आंसर देते हुए चलिएगा, कुछ नहीं तो आपका रिवीजन यहां पर होता हुआ चलेगा। पोर्टल संभावित खरीदारों से एंड टू एंड बिक्री का अनुभव उनको प्रदान करेगा, मतलब इस पोर्टल के माध्यम से एंड टू एंड सेल्स एक्सपीरियंस ग्राहकों को मिलेगा। फॉर द प्रोस्पेक्टिव बायर्स इट विल ऑल्सो हेल्प कस्टमर टू फाइनेंस इंश्योर एक्सचेंज एसेसराइज एंड ऑन अ महिंद्रा व्हीकल फ्रॉम होम। आप अपने घर में किस तरह का वाहन चाहते हैं उसके लिए फाइनेंस संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, इंश्योरेंस संबंधित इंश्योर, इसके अलावा एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं, जो भी एसेसरीज आप लगाना चाहते हैं अपने व्हीकल पे वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को किसने आयकर मुक्त करने की घोषणा की है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या हु हैज अनाउंस्ड टू एग्जेम्प्ट इनकम टैक्स टू बी डोनेटेड बाय द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट? तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है यहाँ पर, केंद्र सरकार ही ऐसा कर सकती है कि भैया जो भी पैसा आप दान में देते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को, वो पूरा पैसा आपका क्या होगा, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा, याद रखिएगा। हाल ही में किस जिले को आई थिंक ये क्वेश्चन यहीं पर आपको मिल जाएगा, तो यहां पर डिस्कस नहीं करता हूं, आगे डिस्कस होगा। अयोध्या मसले पर और कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण देने वाले बाबर के सेनापति का नाम क्या था? ऐसा माना जाता है कि वहां पर बाबर के सेनापति के द्वारा मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बाबर्स कमांडर हु ऑर्डर्ड
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद, बाकी ताशकंदी, मीर बाकी, मीर बंकी या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों नाम आपके प्रचलित हैं बाबर के उस सेनापति के बारे में, चाहे वो बाकी ताशकंदी हो, चाहे वो मीर बाकी हो, चाहे फिर वो मीर बंकी हो, ये तीनों ही नाम उनके सेनापति के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनल डिसीजन देने से पहले वहां पर 3 सदस्यीय एक मध्यस्थता पैनल भी बनाया था, तो उस पैनल के हेड कौन थे? उस पैनल के हेड थे आपके जस्टिस कलीफुल्ला, जबकि श्री श्री रविशंकर जी और श्री राम पंचू, 3 मेंबर जो अयोध्या मीडिएशन पैनल में बनाए गए थे, उसके सदस्य आपके बनते थे। अयोध्या प्राचीन इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? प्राचीन इतिहास में आप सभी को पता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, और उन 16 महाजनपदों में से कौशल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था अयोध्या शहर या अयोध्या टाउन। अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुल कितने पेजों पर अपना फैसला दिया था? अयोध्या केस वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन हाउ मेनी पेजेस? तो 1045 पेजों पर डिसीजन दिया था। और जब अयोध्या जैसा ऐतिहासिक फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? रंजन गोगोई साहब उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे। भारत के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या बनता है? तो बनता है HJ कनिया, हीरालाल जयसुखदास कनिया, ये भारत के पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे। वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े, ये भारत के 47वें चीफ जस्टिस यहाँ पर बनते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब है यहाँ पर 1865 बाय द अलेक्जेंडर कनिघम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और अभी आज इसी क्लास में 4-5 क्वेश्चन पहले मैंने आपसे पूछा था कि वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान डायरेक्टर जनरल या लेटेस्ट डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो उसका नाम भी आप लोगों ने बताया था। तो किसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित किया था? तो अलेक्जेंडर कनिघम ने 1861 में अंग्रेजों के जमाने में। अयोध्या नगर की बात करते हैं, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है, और सरयू नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? सरयू नदी को सरजू नदी भी बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा। अयोध्या सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू, वेयर Which does the river originate? ये नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी आपकी निकलती है सरमूर उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सरमूर उत्तराखंड से सरयू नदी आपकी ओरिजिनेट होती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर हाल ही में अयोध्या जिला किया गया है? तो अयोध्या एक शहर था, जबकि जो जिला था वो आपका फैजाबाद था। तो फैजाबाद जिले का नाम बदलकर हाल ही में अयोध्या कर दिया गया है। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए जाने की जांच के लिए भारत सरकार के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? सुशील कुमार जी सरमूल यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। सुमित शर्मा वेरी गुड। विद्यावती जी बिल्कुल सही आपने आंसर यहां पर दे ही दिया है। अलेक्जेंडर कनिघम का नाम भी याद रखिएगा। यहां पर करेक्ट आंसर बनता है लिब्रहन आयोग। क्या मुझे कोई बता सकता है कि यूसी बैनर्जी कमीशन हमारे इतिहास में किस लिए बनाया गया था, किसकी हत्या की जांच के लिए बनाया गया था? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे बताइए कि किस महान शख्सियत की हत्या की जांच के लिए यूसी बैनर्जी कमीशन आपका बनाया गया था? अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिए। कल्याण सिंह जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और सत्यनारायण रेड्डी साहब उस समय गवर्नर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। माफी चाहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न गुजर गए हैं और मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन छुपा लिया, माफी चाहूंगा। ओके, कितने प्रश्न यहाँ पर से छुप गए हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न छुप गए हैं। माफी चाहूंगा, मैं बिल्कुल अपने फ्लो में बोलता गया और मैंने आप लोगों का बिल्कुल भी पर ध्यान नहीं दिया। चलो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, तभी तुम यहाँ पर नाराजगी से जाहिर कर रहे हो। एक बार मैं अपनी गद्दी फिर से बदल लेता हूं, और मैं अपनी गद्दी बदल कर यहां पर ले आता हूं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे, जो भी प्रश्न आपके छुप रहे थे वो भी आपके बच जाएंगे। बाबरी मस्जिद का निर्माण का आदेश देने वाले बाबर के सेनापति का नाम, 3 नाम प्रचलित हैं, बाकी ताशकंदी भी है, मीर बाकी भी है और मीर बंकी भी है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल, हेड इसके बनते थे जस्टिस कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर जी और श्री राम पंचू जी। इस 3 मेंबर अयोध्या मीडिएशन पैनल के क्या थे? सदस्य भी थे। इसके अलावा अयोध्या का प्राचीन नाम की बात करते हैं तो किस महाजनपद में हुआ करता था, या कौशल महाजनपद में हुआ करता था? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुल कितने पेजों पर दिया था? तो 1045 पेजों पर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1861 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सर अलेक्जेंडर कनिघम के हुई थी। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है, और इस नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो सरयू नदी की उत्पत्ति सरमूल उत्तराखंड से होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर अयोध्या जिला रखा गया है? तो याद रखिएगा, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर हाल ही में अयोध्या जिला यहां पर रखा गया है।
बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने की जांच के लिए भारत सरकार के द्वारा 1992 में किस कमीशन को या कमेटी को गठित किया गया था? तो लिब्रहन कमेटी को गठित किया गया था। यूसी बनर्जी कमीशन किसकी हत्या से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी 1984 में, उनकी हत्या से संबंधित जांच के लिए यूसी बनर्जी कमीशन को बनाया गया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कल्याण सिंह जी थे। इसके अलावा जो सत्यनारायण रेड्डी थे वो वहां के गवर्नर आपके बनते थे। अब मैं अपने आप को यहां पर फिर से अपनी गद्दी को चेंज कर लेता हूं ताकि अब आप लोग फिर से नाराज ना हो जाएं। तुम लोग बिल्कुल आंदोलन छेड़ देते हो। जरूरी अपना हक मांगना कि सर सामने आ गए, सर को साइड करो, है ना। याद होगा बचपन में भी हम लोग ऐसे करते, जब सर लोग ब्लैक बोर्ड के सामने आ जाते थे तो हम कहते सर हट जाइए, सर हट जाइए, सर हट जाइए, ऐसे बोलते थे ना, मजा भी आता था। तो उसी तरह से आप लोग करते हो, है ना। साउथ कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ साझेदारी या भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उस कंपनी का नाम यहां पर बनता है शोफी। क्या बनता है? शोफी यहां पर उस कंपनी का नाम बनता है। रिवीजन के लिए हम लोगों ने यहां पर सारे क्वेश्चन रखे हैं इस हफ्ते के, ताकि एक बार उन सभी का रिवीजन हो जाए जिससे हमारे लिए और बेहतर हो जाए। भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले किस कश्मीर के क्षेत्रों को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है? तो उसके द्वारा गिलगित और मुजफ्फराबाद, इन दोनों को शामिल किया है। अब इन दोनों ही क्षेत्रों में यहां पर आपका जो मौसम का हाल है वो भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र वहां पर सुनाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? दवा का नाम एक बार फिर से सुन लीजिएगा, रेमडेसिविर मेडिसिन है या रेमडेसिविर ड्रग है, जिसको मंजूरी देने वाला जो दूसरा कंट्री बना है वो जापान बना है। जापान के वर्तमान अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ की कैपिटल बनती है टोक्यो और करेंसी बनती है येन, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर जो कि 11 मई को था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आयोजित किए जा रहे उच्च स्तरीय डिजिटल सम्मेलन का नाम क्या था? तो इसका नाम था रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट में रीस्टार्ट का फुल फॉर्म भी था। रीस्टार्ट का फुल फॉर्म था रीबूटिंग द इकॉनमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड द रिसर्च ट्रांसलेशन। याद रखिएगा ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो कि 11 मई को आपका मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पोखरण राजस्थान में भारत ने दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1998 में। पहली बार भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1974 में, और तारीख आपकी थी 18 मई। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसलिए लाफिंग बुद्धा वहां पर ऑपरेशन को नाम दिया गया था। लेकिन 1998 में पोखरण राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम इस पूरे ऑपरेशन के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न, कोविड-19 के परिवर्तनों के बीच हिंद महासागर में द्वीप राष्ट्रों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन सेतु, मिशन संजीवनी, मिशन शक्ति, मिशन सागर। करेक्ट आंसर यहां पर बनता है मिशन सागर। मिशन शक्ति क्या है? ऑपरेशन शक्ति बनता है आपका, ऑपरेशन शक्ति बनता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 तारीख के दिन आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। मिशन संजीवनी की बात करते हैं तो ये आपका चलाया गया था मालदीव कंट्री में। मिशन समुद्र सेतु, हमारे भारत के जो लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए हैं उन्हें वंदे भारत मिशन के तहत वापस भारत लाने के लिए चलाने जाए बना ऑपरेशन ये आपका बनता है। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 महामारी के बीच में हिंद महासागर में जो 5 आपके द्वीप देश हैं, जो आपके 5 ऐसे कंट्री हैं जो आइलैंड कंट्री हैं, मालदीव है, मॉरिशस है, सेशेल्स है, मेडागास्कर है और कोमोरोस है। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछता हूँ कि कौन सा देश है हिंद महासागर में सबसे छोटा आइलैंड कंट्री बनता है, स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन, तो आपका आंसर क्या बनेगा जल्दी से मुझे टाइप करके बताइएगा। तो इन 5 द्वीपीय देशों में ये ऑपरेशन आपका चलाया गया है। मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS केसरी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि लोगों को वहां से भारत हिंदुस्तान वापस लाया जा सके। इसके अलावा सागर मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सागर का फुल फॉर्म बनता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि इंडियन ओशन रीजन में जो भी आपके कंट्रीज हैं उनके साथ हम अपने व्यापारिक और मित्रतापूर्ण जो हमारे संबंध हैं उनको हम यहाँ पर बनाए रखें, और इसी के नाम से यहाँ पर ऑपरेशन सागर, मिशन सागर भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। हिंद महासागर का सबसे छोटा जो कंट्री बनता है, सबसे छोटा जो आइलैंड कंट्री बनता है वो मालदीव बनता है। हरिशंकर वासुदेवन जी का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात क्या थे? अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, पुरातात्विक थे या फिर पत्रकार थे? करेक्ट आंसर बनता है हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन जी का निधन हुआ। वो एक जाने माने इतिहासकार थे और उन्होंने रशिया, सेंट्रल एशिया,
ईस्ट एशियन हिस्ट्री इनको काफ़ी अच्छी पता थी और ये काफ़ी अच्छे इसके जानकार थे। इनकी डेथ कोरोना वायरस की वजह से कोलकाता शहर में हाल ही में हुई। अगला प्रश्न, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UN की पोस्टल एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल पॉक्स, इसे हम लोग चेचक भी कहते हैं, इस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ हाल ही में 9 तारीख को आपकी मनाई गई और इसके लिए एक पोस्टल डाक टिकट भी आपका जारी किया गया। महाराणा प्रताप जी की जयंती हाल ही में 9 मई को मनाई गई और ये उनकी 480वीं जयंती थी जो हाल ही में मनाई गई। महाराणा प्रताप किस राज्य के 13वें राजा थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, जिसमें से सही जवाब बनता है ये मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं तो हाल ही में इनकी 480वीं बर्थ एनिवर्सरी यहां पर कंप्लीट हुई है। ओके, इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान में हुआ था, ये याद रखिएगा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़गढ़ में अपनी राजधानी बनाई थी और महाराजा उदय सिंह द्वितीय के ये सबसे बड़े बेटे हुआ करते थे, ये याद रखिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बनता है कि महाराजा उदय सिंह वाज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द सिटी उदयपुर राजस्थान और इस साल हमने 480वीं जयंती मनाई है महाराणा प्रताप की, ये बात याद रखिएगा। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का जो नाम था वो चेतक था, ये तो आप लोग जानते हैं, जिसने हल्दीघाटी के युद्ध में उनकी काफ़ी मदद भी की थी। जयपुर शहर के संस्थापक कौन से राजपूत शासक थे, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। AIIB की बात करते हैं यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं, ने भारत को COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी परियोजना के लिए कितनी धनराशि को यहाँ पर स्वीकृत किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, सही जवाब यहाँ पर बनता है $500 मिलियन। AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, जल्दी से मुझे टाइप करके बता दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक राजा जय सिंह के नाम पर जयपुर शहर, वेरी गुड। अगला प्रश्न, किस राज्य ने एक वर्ष के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो झारखंड राज्य ने यहाँ पर पान मसाला, क्योंकि अगर पान मसाला खाएंगे तो थूकेंगे भी तो कोरोना वायरस फैलाएंगे, इसलिए झारखंड राज्य ने यहाँ पर अगले एक साल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाँ, बीजिंग इसका हेडक्वार्टर बनता है, वेरी गुड। किस संस्थान ने COVID-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया है? तो NIV के द्वारा इसको यहाँ पर विकसित किया गया है, नाम अच्छे से लर्न करने का प्रयास कीजिए। भारतीय रेलवे के द्वारा किस तारीख से ही यात्री सेवाएं दोबारा से शुरू कर दी गई हैं, ताकि जो भी भारतीय यात्री हैं या भारतीय लोग हैं जो जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस अपने घर जाने में आसानी हो? तो 12 मई से दोबारा से ट्रेनें हमारे देश में चलना शुरू हो गई हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि करीब करीब 1.5 महीने तक भारतीय ट्रेन का जो परिचालन है वो बंद रहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, युद्ध के दौरान भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन रेलवे ने अपनी सर्विसेज बंद की हों। तो आज के लिए दोस्तों और मेरे साथियों इतना ही। इस पूरी क्लास में हम लोगों ने जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स था वो देखा, वो भी MCQ के फॉर्म में देखा, और रिवीजन हमने किया इस हफ्ते कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं कर पाए, माफ़ी चाहेंगे। मंडे से एज यूजुअल आपकी क्लास चलेगी, जिस तरह से आपकी क्लास चलती है। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं SSC एग्जामिनेशंस के लिए, बैंक एग्जामिनेशंस के लिए, रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए, कोई भी पर्टिकुलर कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप मेरा जो कोर है Target 10 ही आप वहाँ पर लगा सकते हैं। जल्द ही कंप्लीट ज्योग्राफी और बैंकिंग का कोर्स भी हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, बैंक का फ्री कोर्स भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ, डिफेंस एग्जाम भी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसके लिए यहाँ पर Target 10 मेरा जो कोड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको वहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों इस छोटी सी क्लास में इतना ही। दोपहर 11 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, दोपहर नहीं सुबह 11 बजे मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ना मत भूलिएगा। स्टैटिक GK की Part 3 क्लास को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और शाम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है, वहाँ पर भी जुड़ना मत भूलिएगा। कल बहुत सारे फ्रेश MCQs के साथ और बहुत सारी करंट अफेयर्स के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा। जैसे कि आप सभी के सुझाव आ रहे थे कि सर स्टेट ऑफ द डे भी लगा दीजिएगा, एक पर्टिकुलर राज्य को डिस्कस कर दिया करिए, तो कल से एक राज्य को भी डिस्कस कर देंगे, और भी जो आपके सुझाव हो वो हमें दे दीजिएगा, आज हमारे पास पर्याप्त समय है। कल से आपको ये सारी चीज़ें जो भी आप सुझाव हमें देंगे
जो जो सुझाव मुझे लगता है कि पूरा हो सकता है वो मैं आपको पूरा करके वहां पर दे दूंगा। इस कोड को नोट कर लीजिएगा, अंकित सर 10 वाला टाइट। अब आप कोड भूल जाइए, अब मेरा जो नया कोड है वो है टारगेट 10, आप सभी के एग्जाम्स को टारगेट करता हुआ। तो ये टारगेट 10 आप नोट कर लीजिए कि टारगेट 10 आपको वहां पर कोड यूज करना है। आज के लिए दोस्तों यहां पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक बार फिर से इसी सेशन में, और आज मिलते हैं 11 बजे। उसकी लिंक मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कर दी है, वहां से जाके भी देख सकते हैं, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है, वहां पर आकर आप मेरी जो अनअकैडमी की क्लास है वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल फिर आप सभी के साथ एक और